आप जो रहा छो वीटीवी न्यूज फाइनल रिपोर्ट साथ हूं छू वत्सल। नजर करिए महत्वपूर्ण समाचार पर। भारत दक्षिण ध्रुवनी सपाटी पर सॉफ्ट लैंडिंग करनारो विश्वनो प्रथम देश बन्यो छे। त्यारे चंद्रयान 3 ना विक्रम लैंडरे चंद्रनी सपाटीनुं तापमान जणाव्युं छे। चंद्रयान 3 ना लैंडर पर एक खास प्रकारनुं थर्मोमीटर मोकलवामां आव्युं छे। आ थर्मोमीटर चंद्रनी सपाटीथी ऊपर अने सपाटीथी 10 सेंटीमीटर नीचे एटले के लगभग 4 इंच नीचे तापमान मापी शके छे। तेने ड्रिलिंगनी जरूर नथी। इसरोए ट्वीट करीने जणाव्युं છે કે ચંદ્રની સપાટીના ઉપરના ભાગનું તાપમાન તપાસ્યું છે તો ચાસ્ટેને ડાબી બાજુ શૂન્ય પર મૂકવામાં આવ્યું છે, એટલે કે ત્યાંનું તાપમાન 50-60 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વચ્ચે છે, જે ગ્રાફમાં ડાબેથી જમણે ઘટતા વધતા ક્રમમાં છે। ચાસ્ટે પેલોટ છે જે ચંદ્રની સપાટીનું તાપમાન લેવા માટે વિક્રમ લેન્ડરના પેટની અંદર જઈ રહ્યું છે, પરંતુ બરાબર એ જ સપાટીથી નીચે પારાની અંદર 10 સેન્ટીમીટર માઇનસ 10 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે। જેમ જેમ તમે સપાટીના ઊંડાણમાં જશો તેમ તેમ તાપમાન ઘટતું જશે। આ ઉપકરણ 10 સેન્ટીમીટરની અંદર એટલે કે લગભગ 4 ઇંચ સુધીની ગરમીને સ્પર્શ કર્યા વિના, સપાટી પર પડ્યા વિના, સપાટીને ખોદ્યા વિના શોધી કાઢે છે। इस तरह से उसने जो इनिशियल एक्सपेरिमेंट किए हैं उसके जो नतीजे सामने आए हैं कि चंद्र की सतह पर लगभग 50-55 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है तापमान महसूस किया गया है, और उसके अलग अलग जो प्रोब है उसमें अलग अलग सेंसर लगे हुए हैं जो अंदर तक जमीन के अंदर जाके लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर तक वो जा सकता है। तो 8 सेंटीमीटर तक के डेटा जो हमने लिए हैं उसके मुताबिक माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके प्लस 50 डिग्री सेंटीग्रेड के अलग अलग डेटा 10 सेंसरों ने कलेक्ट किए हैं, तो वो डेटा आज उपलब्ध है। तो जैसा कि मैंने बताया, समय के खिलाफ दौड़ चल रही है और ऐसे ये एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट किए जाएंगे और ये डेटा जो चास्टे का डेटा है वो स्टोर किया जाएगा और वो लैंडर के द्वारा, क्योंकि वो तो लैंडर पे ही लगा है ये चास्टे पेलोड, तो सीधा पृथ्वी पे बाइलाल स्टेशन पे लाया जाएगा और उसके बाद फर्दर उसका एनालिसिस, एक बार डेटा आ जाता है बाद में हमारे वैज्ञानिक करते रहेंगे। उसी तरह रंभा पेलोड का डेटा और एक सिज्मिक जो लूनर सिज्मिक एक्टिविटी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगा है, तो मून पे जैसे पृथ्वी पे जो भूकंप आते हैं उसी तरह मून पे जो भूकंप आते हैं उसको मून क्वेक कहा जाता है। तो मून क्वेक की इंफॉर्मेशन, मून की सिज्मिक एक्टिविटी जो है, भूकंपीय जो तरंगे हैं उसके बारे में पता लगा के, क्योंकि वहां पे एस्टेरॉयड का भी बॉम्बार्डिंग होता है तो वो सब के कारण सिज्मिक एक्टिविटी बढ़ जाती है कई बार, तो क्या हो रही है उसके बारे में भी माहिती हमको मिलेगी।